हेलो फ्रेंड, आज मैं देखाऊंगा इस वीडियो में सनडायरेक्ट सिग्नल सेटिंग कैसे करें। ओल्ड और न्यू जो भी हो, इस तरीके से अपनी घर पर ही खुद ही सनडायरेक्ट का सिग्नल सेटिंग कर सकता है कोई भी। तो फिर आज मैं ऐसा ही एक आसान तरीका दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये प्रोसेस कैसे करें। तो फ्रेंड, पहले जो करना होगा, एंटर एलएमबी के साथ सेटअप बॉक्स का कनेक्शन करना होगा इसका केबल वायर से ऐसे। और यह है हमारा सनडायरेक्ट का सेटअप बॉक्स है। यहाँ पे एंटेना सिग्नल इन करना होगा ऐसे। और ज़रूरत है टीवी, छोटा और बड़ा कोई भी हो तो आप इसे ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन में हमें देखना होगा सिग्नल परफॉर्मेंस कितना हो रहा है। जब सिग्नल लाने के लिए एंटेना को घुमाना होगा। तो पहले टीवी और सेटअप बॉक्स का पावर ऑन कर लेते हैं। टीवी का पावर ऑन हो गया, टीवी और सेटअप बॉक्स का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेटअप बॉक्स से नो सिग्नल आ रहा है। अब हमें सिग्नल ऑप्शन लाने के लिए रिमोट से इन्फो बटन दबाना होगा, जो कि हम टीवी स्क्रीन में देख पाएंगे सिग्नल परफॉर्मेंस कितना हो रहा है। तो इसके लिए हमें रिमोट से इन्फो ए वाला बटन दबाना होगा। ये इन्फो बटन दो बार प्रेस करना होगा। और दो बार प्रेस करने से यहाँ पे सिग्नल ऑप्शन आ गया, 0% दिखा रहा है। तो फिर इस कंडीशन में हम एंटेना घुमाएंगे तो हमें इस यहाँ पे देखने मिलेगा जो कितना परसेंट सिग्नल हो रहा है। तो चलिए, और एक बात याद रखें, एंटेना को हमें सीधा दक्षिण पूर्व दिशा की बराबर रखना होगा और हमें घुमाना होगा धीरे से ऐसे, ऊपर नीचे करना होगा थोड़ा सा ऐसे। और हमें फॉलो करना होगा टीवी स्क्रीन में सिग्नल क्वालिटी हमें आ रहा है क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी हमें सिग्नल मिल रहा है थोड़ा सा, अभी हमें बहुत ही कम सिग्नल मिल रहा है, 72%। तो आप देख सकते हैं घुमाने से सिग्नल आ रहा है। जब सिग्नल मिल जाए तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दूर नहीं घुमाना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा घुमाना होगा धीरे से। और टीवी स्क्रीन में हमें फॉलो करना होगा सिग्नल ज़्यादा हो रहा है क्या नहीं, सिग्नल ठीक ठाक आ रहा है क्या नहीं। तो आप देख सकते जब सिग्नल मिल जाए तो हमें ज़्यादा दूरी घुमाना नहीं है। तो आप देख सकते यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है 71%। सिग्नल हमें मिल गया। तो फिर उसके बाद और भी थोड़ा सिग्नल एडजस्ट करने के लिए हमें एलएमबी घुमाना होगा, ऊपर नीच करके देखना होगा ऐसे सिग्नल ज़्यादा हो रहा है क्या नहीं। तो फिर आप देख सकते हैं एलएमबी को थोड़ा सा घुमाकर एडजस्ट करने से सिग्नल और भी ज़्यादा हो गया ऐसे। थोड़ा सा धीरे धीरे घुमाना होगा धीरे से, तो सिग्नल परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे अभी 78% मिल गया और क्वालिटी 92%, बहुत ही अच्छी है। और ये जो सिग्नल क्वालिटी हमें मिला है ये हमारा सेटअप का चलने के लिए काफ़ी है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी सिग्नल मिल गया हमें, 92% क्वालिटी और 78% सिग्नल। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ऐसे ही बहुत आसान तरीके से अपने घर पर ही कोई भी अपना सिग्नल ठीक कर सकते हैं सनडायरेक्ट का। और ऐसे सिग्नल आने के बाद हमारा जो नट स्क्रू है पैच, यहाँ पे इसको टाइट करना होगा ठीक से। और सिग्नल लाने से पहले इसको थोड़ा सा लूज रखना होगा क्योंकि हमें इधर इधर घुमाना होगा, इसीलिए अब हम इसको ज़ोर से टाइट कर देंगे ऐसे, जो कि हमारा डिश कोई भी घूम ना जाए थोड़ा सा हवा से। तो चलिए, अब मैं इसका चैनल चेक करके देखते हैं अल चैनल क्या।
तो आप देख सकते हैं सोनी चैनल आ गया यहाँ पे, और ये सोनी मैक्स, और ये डिस्कवरी चैनल। तो फिर यहाँ पे हमें ऑल चैनल ही मिल गया है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।